परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, इंदौर, गुना, निमारखेड़ी, उज्जैन तथा विभिन्न स्थानों से जुड़े सांसद बंधु, मंत्रीगण, विधायकगण, सज्जनों और देवियों, आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। इस पुण्य अवसर पर सादर जोहार, सादर नमस्कार। इस पवित्र दिन को आज संपूर्ण भारत में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज भोपाल में गोंड रानी कमलापति स्टेशन का माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करेंगे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि 21वीं शताब्दी में नई सोच, नए विचार और नए व्यवहार से ही नया भारत बनेगा। आप हमेशा हर कार्य को बारीकी से देखते हैं, डिटेल्ड प्लानिंग पर जोर देते हैं, हर काम में क्वालिटी रहे, समय पर एग्जीक्यूशन हो। आप हमेशा कहते हैं कि माइंडसेट को बदलो तभी जाके देश बदलेगा। आज रानी कमलापति स्टेशन इसी फिलॉसफी का रिजल्ट है। इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के द्वारा जनजाति समाज की गोंड रानी कमलापति को विश्व में गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपका हार्दिक अभिनंदन। भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। 2047 में देश आज़ादी की शताब्दी मनाएगा। इस अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है। आपने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना दी, आज उसी परिकल्पना का रिजल्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग देश में 6 लाख करोड़ रुपए की है, जो कि 2026 तक 3 गुना बढ़कर 18 लाख करोड़ हो जाएगी। इसी तरह से टेलीकॉम सेक्टर में स्वदेशी 4G तैयार हो गया है और 5G की निर्माण चल रहा है, साथ ही 6G की तैयारी भी चालू हो चुकी है। हमारे देश के इंजीनियर्स ने रेलवे में भी अपनी क्षमता का उपयोग कर आधुनिक इंजन, कोच, मेट्रो और ट्रेन का सुरक्षा कवच विकसित किया है। भारतीय डिज़ाइन एवं देश में निर्मित इन टेक्नोलॉजी से भारत के साधारण मानवी को भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सकेंगी। यही आपके विजन का रिजल्ट है, जिसके कारण आज एक जनमानस में, सभी में एक आपके प्रति अगाध श्रद्धा है। आज हम न केवल अपने लिए इन इक्विपमेंट्स को बना रहे हैं, बल्कि विश्व भर में भी इनका निर्यात कर रहे हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भारतीय रेल का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश को गति शक्ति की परिकल्पना भी दी। इसमें रेलवे, रोड, मेट्रो इत्यादि सभी मोड्स को एक इंटीग्रेटेड वे में प्लानिंग कर सबको इंटीग्रेट करने का आपने विजन दिया। आपकी इसी प्रेरणा के फलस्वरूप रानी कमलापति स्टेशन के डिज़ाइन में मेट्रो के साथ इंटीग्रेशन की एक व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से देश के कोने कोने में ऐसे आधुनिक स्टेशन बने, ऐसा हमारा आपसे वायदा है, ऐसा हमारा संकल्प है। भोपाल में, बात भोपाल की है, भोपाल में अब तक मशहूर था तालों में ताल, भोपाल का ताल, बाकी सब तलैया। आज से इस बात में एक और बात जुड़ जाएगी, स्टेशनों में स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आप मध्य प्रदेश में रेलवे के 4 अन्य प्रकल्पों को लोकार्पित करेंगे। इन सभी परियोजनाओं से दूरियां कम होगी और साधारण मानवी को अधिक सुविधाएं मिलेंगी। आपने देश को एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये सभी प्रकल्प, ये सभी जो आज देखा, वो सब के सब इसी प्रकल्प, इसी विचार का मूर्त रूप है। आपके ओजस्वी नेतृत्व में रेल परिवार का हर सदस्य हर समय देश के लिए समर्पित है, प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान।